द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। तो जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा आप सभी लोग दे चुके हैं और आंसर शीट आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं से मिला ही लिया होगा, जिससे आपको पता चल गया होगा कि टोटल 150 नंबरों में आपके कितने नंबर बन रहे हैं। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, दो दिन आपने लोगों ने आराम भी कर लिया है, रविवार का पेपर दिया, सोमवार मंगलवार बढ़िया रिलैक्स होकर आपने कोई ना कोई वेब सीरीज देखी होगी, मूवी देखी होगी, रिलैक्स कर लिया है। लेकिन रिलैक्स करने का समय हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारे पास अगली परीक्षाएं लगी हुई हैं और हमें लगातार पढ़ते जाना है। जब तक हम सरकारी नौकरी ज्वाइन ना कर लें, तब तक हमें किसी बात पर भरोसा नहीं रखना है। ध्यान दीजिएगा, किसी की बात पर भरोसा नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपके BDO की भर्ती में, पिछली जो 2018 में BDO की भर्ती हुई थी, उसमें रिजल्ट भी आ चुका था, लड़के सेलेक्ट भी हो चुके थे और ज्वाइनिंग करने की तैयारी थी, लेकिन गवर्नमेंट ने पता चला कि कुछ फर्जीवाड़ा हुआ है, इससे पूरा पेपर कैंसिल कर दिया। तो कम से कम कहने का मतलब मेरा ये है कि कभी कभी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं हमारे जीवन में, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए जब तक आप ज्वाइन ना कर लें, आप BSA कार्यालय में जाके अपने साइन, अपने नाम का साइन ना करें और ज्वाइन ना कर लें, तब तक किसी भी बात पर भरोसा मत करिएगा। पिछली वाली सुपर टेट की भर्ती भी 2 साल तक कोर्ट में लटकी रही थी। मैं आपको निराश करने की बातें यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि आप लोग अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखिए। पिछले 5-6 महीनों की मेहनत से आपने जो पढ़ा है, अगर 1 महीना आप डाउन हो जाएंगे, पढ़ाई छोड़ देंगे, तो ऐसी कंडीशन में सब कुछ भूल जाएंगे। तो सब कुछ तो आपने पढ़ लिया है, अब सिर्फ आपको रिवीजन ही तो करना है। इतिहास पढ़ा है, भूगोल पढ़ा है, नागरिक शास्त्र पढ़ा है, रीजनिंग भी आपने पढ़ रखा है, अब आपको थोड़ा सब्जेक्ट पढ़ना है और थोड़ा सा रिवीजन करना है। आपका काम किसी भी परीक्षा में चल जाएगा, चाहे वो आपका, चाहे सुपर टेट आने वाला है या UP टेट आने वाला है, कोई भी परीक्षा में आपका कार्यक्रम चल जाएगा, या फिर DSSB के आप लोगों ने फॉर्म भर रखे हैं तो उसमें भी आप देखते रहिए। लेखपाल भर्ती आने वाली है, वहाँ पर भी आप ट्राई कर सकते हैं। UPSI का आपने फॉर्म भरा है, वहाँ पर भी ट्राई कर सकते हैं। तो जो भी है, जैसे भी हो, हर परीक्षा में ट्राई करिए। लेकिन ये वीडियो बनाई गई है ऐसे स्टूडेंट के लिए कि इस जो पिछले 5-6 महीने से 7 महीने से इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, और उनसे ये पूछने के लिए वीडियो बनाई गई है कि भैया अब हम लोग किस परीक्षा की तैयारी करें। तो आप लोगों को बताना है किस परीक्षा की तैयारी करें। इम्पॉर्टेंट इस बात है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम लोग 2 परीक्षाओं के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, एक तो UPTET का सॉल्व कर रहे हैं और ऊपर से लेखपाल भर्ती का ही प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस भर्ती आने वाली है, तो उसका भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, और हम लोग सुपर टेट, जो कि आपके जनवरी में होने की संभावना है, उसके टोटल 150 नंबरों का भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस जूनियर शिक्षक भर्ती के बाद आप किस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, किसके प्रैक्टिस सेट को आप चाहिए, किसके नोट्स चाहिए और किस प्रकार से आप तैयारी करना चाहते हैं। तो सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जो भी आपकी डिमांड हो, जिस परीक्षा के बारे में आपकी डिमांड हो, उस सारी परीक्षाओं को कमेंट बॉक्स में लिखिए। नोट्स चाहिए या स्पेशल किसी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, सब कुछ आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आपकी सारी परेशानी को सॉल्व किया जाएगा। कम से कम हम लोग इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से 4 परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। 2 लोगों का हमारा स्टाफ हो चुका है, एक GS वाले अध्यापक हैं और एक रीजनिंग वाले अध्यापक हैं, और हम तो हैं ही, तो कुल मिला के 3 लोगों का स्टाफ है टीचिंग में और 1 लोगों का स्टाफ है PDF बनाने के लिए। तो अच्छा खासा हो चुका है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा रुपया तो नहीं ले रहे हैं, बहुत भले लोग हैं जो पढ़ाने आ गए कम पैसों में ही। तो इस चीज़ को आप लोग समझिए, और जो कुछ भी आपकी डिमांड हो, सब कुछ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी डिमांड को पूरी करने की पूरी कोशिश किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।